चलो सौम्या आगे बढ़ो, राखी बांधो। अदित, अरे अम्मा आप भी ना, आप सौम्या को फोर्स क्यों कर रही हैं? लो हम कहाँ कुछ कर रहे हैं बेटा, सौम्या ने तो कहा कि वो अक्षत को राखी बांधेगी, तो हमने बस इतना ही कहा कि पहले राखी तुम्हें बांधे, ईशाना भी तुम्हें बांधती है पहले, इसमें क्या समस्या है? हाँ, और वैसे भी मुहूर्त बिता जा रहा है, जल्दी करो, अब बातों में ना समय बर्बाद मत करो। चलो सौम्या राखी बांधो अदित को। कैसे रोकूं इसे? शाना देवी, ईशाना आई मिस यू। शाना तुम यहाँ अकेले कैसे आई? अकेली नहीं है अदिति जी, हम लेकर आ रहे हैं। मंगल, तुम शाना को बोर्डिंग स्कूल से क्यों लेकर आई? मैंने तुम्हें मना किया था ना, बच्ची की पढ़ाई का सवाल है यार, हर वक्त तुम्हें अपनी मनमानी क्यों करनी है? जीजू, ईशाना की तबीयत ठीक नहीं थी, बोर्डिंग से फोन आया था उसके कि उसको एलर्जी हो गई और बहुत सारी उल्टियाँ हो रही है, इसीलिए हम लोग उसे डॉक्टर के पास ले गए और फिर सीधा यहीं आ गए। मैं बहुत घबरा गई थी अदिति, इसको कुछ हो जाता तो। लेकिन मंगल ये सही नहीं है, अगर हॉस्टल ने ऑब्जेक्शन उठाया तो, इट्स सो एंबैरसिंग यार। मैंने टीचर से बात कर ली है। पर मंगल ये गलत है। अदित, अब मंगल ईशाना को घर लेकर आ गई है और उसकी तबीयत भी खराब थी, तो अब इस बारे में बहस करने का कोई फायदा नहीं है बेटा, जाने दो। अब ईशाना आ ही गई है तो ईशाना अक्षत को राखी बांधेगी, है ना बेटा? आ जाओ।